पीछे जम्बो में धूप लगी हुई थी, जैसे ही उमलट में एंटर हुए हैं तो इधर तो बादल बने हुए हैं बहुत घने। दो फोकलेटर उतार है भाई, इसको पहले उतारो यार, वो तिरपाल फिर पीछे करूंगा मैं। अभी टाइम 3:15 हो गए हैं, तो मैंने अभी जाना है इधर से रामबाग से आगे गाँव में साबर, उधर से मेरा लोड बुक कर रहे आज का। जी दोस्तों अभी सुबह 6 हो गए हैं और अभी मेरी गाड़ी लोड हुई है, 3:30 बजे इधर पहुंचा था, तब से लेके जनाब सोने नहीं दिया इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम, हाँ जी दोस्तों कैसे हैं आप साहब, फिट फाट वेलकम हो गया जी आप साहब का। ये इस पेट्रोल पम्प पे मैं रात को इधर पहुंच के सोया हूँ यम्बो में, तो अभी 200 किलोमीटर रहती थी मेरी लोकेशन, उमलज के थोड़ा आगे जाना है, तो अभी 8 हो गए हैं तो निकल रहा हूँ इधर से। खाना वगैरह खा लिया, नाश्ता वाश्ता कर लिया, ये होटल सामने बना हुआ है पेट्रोल पम्प पे। आठ हो गए हैं, निकलते हैं अभी इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाड़ी स्टार्ट करके तकरीबन आधा पौना घंटा ठहर के जो है ना चलानी होती है, टेम्परेचर सेट हो जाए, हवा वगैरह पूरी हो जाए, तो गाड़ी स्टार्ट करके चला गया था खाना खाने, नाश्ता किया, तो अभी आधा घंटा तकरीबन हो ही गया, टेम्परेचर भी सेट हो गया, हवा भी पूरी हो गई है, वहीं निकलते हैं जी उमलज की तरफ। उमलज से भी तकरीबन जो है ना 60-70 किलोमीटर आगे जाना है, उधर एक प्रोजेक्ट है रेड सी के नाम से प्रोजेक्ट स्टार्ट है, उधर लेके जाना है लोड। 8 हो गए हैं तो इंशाल्लाह जो है ना 200 किलोमीटर लोकेशन है इधर से, 2.5-3 घंटे लग ही जाएंगे तकरीबन, क्योंकि उमलट सिटी क्रॉस करना सिटी में काफ़ी टाइम लग जाता है, 50 की स्पीड है, रश होता है, इशारे भी हैं, इसलिए ये चेक करें दोस्तों उमलट सिटी में बादल किस तरह छाए हुए हैं। पीछे जम्बो में धूप लगी हुई थी, जैसे ही उमलट में एंटर हुए हैं तो इधर तो बादल बने हुए हैं बहुत घने, ये चेक करें, बारिश पता नहीं होगी कि नहीं होगी इसका नहीं पता, लेकिन बादल तो फुल बने हुए हैं। इधर भाई एक प्रोजेक्ट पे आया हूँ, बड़ी मुसीबत है, वो सामने देखे इतनी दूर गाड़ी खड़ी करके, वो सामने जनाब उनका रूम बना हुआ, उधर से जाकर पहले गेट पास बनवाना है, फिर गाड़ी लेके आनी है तो फिर जाना अंदर। अभी पैदल जा रहा हूँ उधर, पहले गेट पास बनवाना है, उसके बाद जनाब गाड़ी लेके आनी है। ये दोस्तों अभी गाड़ी खाली कर रहे हैं, खैरियत से पहुँच गए थे लेके, सामान बिल्कुल भी गिरा गुरा नहीं है, बेहतरीन आया, पास चेक कर दे समान उ चढ़ के,
दो फोक लिफ्टर उतार है भाई, इसको पहले उतारो यार, वो तिरपाल फिर पीछे करूंगा मैं। वैसे ये भी सही है, गाड़ी खाली होने के साथ ही सामान की गिनती हो जाएगी। वैसे भी इतना टाइम नहीं था लगना, बड़ी आइटम है, नहीं तो कुछ जगह पे जो है ना वो दो दो घंटे खाली सामान की गिनती में जो है ना वो ज़ाया कर देते हैं। लेकिन ये बड़ी आइटम थी, ये तो 10 मिनट में हो जाना था, लेकिन इसने पहले ही काउंटिंग कर ली है, अभी टाइम नहीं लगेगा। जी दोस्तों, गाड़ी हमारी खाली हो चुकी है, टाइम 3 हो गए हैं, ये उन्होंने सामान उतार के रखा है, अभी इधर से निकलते हैं। अभी मैंने जाना है जी रबक से आगे, एक गाँव है, सिटी है, क्या है मुझे नहीं पता। अभी टाइम 3:15 हो गए हैं, तो मैंने भी जाना है इधर से रबक से आगे, एक गाँव है साबर, उधर से मेरा लोड बुक है रियाज का। लोकेशन अभी चेक करता हूँ कितनी है, तकरीबन होगी 150-400 किलोमीटर के अराउंड होगी, तो रात को उधर से जाके गाड़ी लोड करनी है। अभी निकल रहा हूँ इधर से गाड़ी खाली करके। जी दोस्तों, अभी रात के जो है ना 3:15 हो गए हैं, तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ राबेग में। गाड़ी आज शाम में खाली हो गई थी, टाइम से ही उमलज में 3:30 बजे, लेकिन उधर से मैं 8 बजे निकला हूँ। अगर उसी टाइम निकला था तो फिर सही था, मैंने 9 बजे पहुँच जाना था इधर, लेकिन 8 बजे उधर से निकला हूँ तो अभी 3:15 बजे इधर पहुँचा हूँ। और रातों रात इधर पहुँचना भी ज़रूरी था, क्योंकि ये लोड जो है ना 3-4 बजे करते हैं, नहीं तो अगर कोई और लोड होता तो फिर सुबह भी पहुँच सकता था। शीशा यार गंदा हो गया, इग्नोर करें, रास्ते में बारिश हुई है। बाकी आज तो सारा दिन और सारी रात ही जो है ना काम में गुजर गई है। सुबह 7:30 बजे उठा था, अभी तक कला तूल काम पे ही गुजर गया, टाइम देख लें 3:15 हो गए हैं। बड़ी मुश्किल से पहुंचा और रास्ते में बहुत नींद आ गई थी, तो आधा घंटा सो के तो फिर जो है ना उठ के आ गया हूँ। और जब पाकिस्तान हुआ करते थे, सारी रात सोने के बावजूद भी घर वाले सुबह उठा उठा के रह जाते थे, लेकिन उठा ही नहीं जाता था। तो अभी कल रात को भी मैं 2 बजे सोया हूँ, उससे पहले रात को भी 1:30 बजे, तो आज भी जो है ना सारी रात गुजर गई है सुबह का उठा हुआ हूँ, तो फिर भी जो है ना आधा घंटा सो के तो फिर उठ के आ गया हूँ। काम में भाई सब कुछ हो जाता है, बंदे को सारा कुछ करना आ जाता है। अभी पहुंच चुका हूं मैं इस कंपनी में, ये कंपनी है सामने, बिन जिक्र नाम है कंपनी का, इधर से लोड करना है। अभी इधर सिक्योरिटी वाले को एंट्री करवा के ना, इनकी मुसीबत यार, लोडिंग का टाइम इनका बहुत बुरा है, बहुत गंदा टाइम है इधर, इस टाइम अभी इन्होंने लोड करना है। सारी रात काम चल के आया हूँ, तो अभी इन्होंने कोई सुकून नहीं लेने देना, अभी इन्होंने एक मिनट में एंट्री करवा लूँ। जी दोस्तों, एंट्री करवा ली है और अभी इधर पार्किंग है इधर लगा के, तो वेट करना है, वो कॉल करेंगे तो फिर जो है ना गाड़ी लेके जानी है अंदर। मुसीबत ये है ना कि इन्होंने लोड अभी करना है, वो गाड़ियां देखें अगर आपको वो लगी हुई है लोडिंग के लिए, उधर से लोड होनी है, जैसे ही कोई एक रैंप भी फ्री होगा तो उसी टाइम उन्होंने मुझे कॉल कर देनी है, ले आओ गाड़ी। अभी सारी रात, दिन भी और रात भी गाड़ी चला के भी आके लेट, अभी इधर आकर रुकना है ना, तो मुमकिन है 15 मिनट सोऊं या आधा घंटा सोऊं तो फिर वो कॉल कर देंगे, तो ये भी मुसीबत ही है। या तो सुबह करना होता तो फिर तो आराम से मैंने आ जाना था, अभी इन्होंने उधर लगाना है, अभी इधर 10 मिनट बाद कॉल, 15 मिनट बाद कॉल करेंगे, या मुमकिन आधे घंटे बाद कॉल करें, फिर गाड़ी ले कर दो है ना उधर जाना है, उधर जा कर लगानी है गाड़ी, वो फिर 1 घंटे में गाड़ी लोड करें या आधे घंटे में करें, फिर वो आगे जनाब बोलेंगे जी गाड़ी लोड हो गया निकालो, इतने में दिन हो जाना है।
फिर नेक्स्ट डे स्टार्ट, टाइम ही नहीं मिलना सोने का, देखते हैं क्या बनता है। जी दोस्तों अभी सुबह 6 हो गए हैं और अभी मेरी गाड़ी लोड हुई है, 3:30 बजे इधर पहुंचा था, तब से लेके जनाब सोने नहीं दिया इन्होंने। पहले आधा घंटा पार्किंग में लेटा हूँ, उसके बाद बोला आगे इधर लगाओ गाड़ी, गाड़ी इधर लगाई है। पहले आधा घंटा आए नहीं, बाद में आया, फिर गाड़ी को सीधा करो, ऐसे करो वैसे करो, फिर घंटे बाद लोड करके जी ले जाओ गाड़ी। ये मुसीबत ही रही आज सारी रात, नहीं सोया गया, 1 घंटा सिर्फ आँख लगी है। अभी इधर पार्किंग है ये सामने, तो इधर जो है ना तकरीबन 6 हो गए हैं, 2 घंटे या 3 घंटे सो के तो उठ के फिर पेपर लूँगा। इधर गाड़ी खड़ी करके तो पेपर लेते हैं, लेकिन अभी इधर मैं गाड़ी, ये भी सोए हुए हैं, मैं अभी इधर गाड़ी खड़ी करके तो सो के, तो जब उठूँगा 8 बजे 7 बजे 8 बजे 9 बजे जब जाएगी तब लेंगे पेपर आराम से। भाई सोते हैं, उठेंगे तो फिर देखी जाएगी।